भक्ति प्रकाश में स्वामी जी महाराज ने भगवत भक्ति के अंतर्गत एक कथा लिखी है। वर्णन आता है, बहुत से लोग पशुपतिनाथ की यात्रा के लिए आ रहे थे, उनमें एक दो नेपाली भी थे। किसी अच्छे साधक ने उन नेपाली सज्जन से कहा, बंधु आप नेपाल से हो, सारे के सारे नेपाल निवासी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं, एक बात आपके लिए स्वामी जी महाराज ने कही हुई है, सबके सब भगवत भक्ति के अधिकारी हैं, मैं तुम्हें भक्ति की दीक्षा देता हूं, भक्ति का उपदेश देता हूं, नेपाल लौट के सबको इस मार्ग पर चलाना, तुम्हें भक्ति के अधिकारी। स्वामी महाराज ने चार बातें लिखी, कहा आपका राष्ट्र नेपाल निवासी भीरु नहीं है, डरपोक नहीं है, भक्ति के अधिकारी है। क्यों डरपोक नहीं है, भीरु नहीं है, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, संशयशील स्वभाव नहीं है, देश के प्रति देशवासियों के प्रति द्रोही नहीं है। ये तब की बातें होंगी, अब क्या हो रहा है आप जानो, तब की बातें जब स्वामी जी महाराज ने ऐसा लिखा था तब आप ऐसे हुआ करते थे, द्रोही नहीं है। अंतिम बात लिखी, स्वार्थी नहीं है, इन्हें अपने सुख की कोई चिंता नहीं है। यहीं से भक्ति का शुभारंभ होता है साधु, जब अपनी चिंता कम औरों की चिंता अधिक, तो समझिए जीवन की भक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो गया, अध्यात्म का भक्ति का प्रवेश हो गया। वाली तो संस्कृति कितनी अपूर्व है, तू कितनी विलक्षण है, तू तेरा नारा है, स्वयं सुख भोगने में वह मजा नहीं जो सुख बांटने में है। यही रामायण जी की शिक्षा, यही हिंदू संस्कृति, स्वयं सुख भोगने में वह मजा नहीं, आनंद नहीं जो दूसरों को बांटने में है। तो हिंदू संस्कृति त्याग भरी बांटने वाली संस्कृति, याद रखिएगा इस बात को। मन में प्रश्न उठता है, परमात्मा यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसी ही जिज्ञासा एक अध्यापक के मन में भी थी। अतएव मान्यता थी कि जो दिखाई नहीं देता वह है नहीं, ऐसे ही लोग कहते हैं कि परमात्मा है। आज अपने क्लासरूम में जाके किसी लड़की से पूछा, निकलता बाहर देख क्या क्या दिखाई देता है, उसने कहा मैम बाहर प्लेग्राउंड है, अनेक सारे पेड़ हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो कुछ दिखाई दिया बोल दिया, कहीं परमात्मा भी दिखाई देता है। अध्यापक ने पूछा, कहा नहीं, जो है ही नहीं वह दिखाई कहां से देगा। अध्यापक ने बड़े बलपूर्वक कहा, एक सन्नाटा सा छा गया, एक अध्यापिका क्या कह रही है, एक बच्ची को अच्छा नहीं लगा ये बात, खड़ी हुई, मैम से कहा मैं भी इससे एक प्रश्न पूछू, पूछिए आपको क्लासरूम में ये मैडम हमारी अध्यापिका दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक, माथे पर बिंदी लगाई हुई है, इस रंग की साड़ी पहनी हुई है, इत्यादि इत्यादि पूरी डिस्क्रिप्शन देखी। लड़की पूछती है, रिकंदा क्या मैडम की बुद्धि तुम्हें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, कंतु ने झट से कहा
कि बुद्धि तो नहीं दिखाई देगी। ये लड़की ठंड से कहती जो है ही नहीं, मैं दिखाई कहां से देगी। मैडम ही नहीं मस्त ठीक हुआ। एक कन्या समझाती है, मैडम जी स्थूल तो दिखाई देता है लेकिन सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, उसे अनुभव करना होता है। परमात्मा देखने की चीज नहीं, परमात्मा अनुभव करने की चीज है। हाँ ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता, दिखाई भी देता है पर उसके लिए दृष्टि और तरह की चाहिए, ऐसी नहीं। करते हैं थोड़ी देर में बात। आज क्षण एक युवक भागता भागता पसीने से लथपथ एक पेड़ के नीचे यहां संत महात्मा विराजमान थे पहुंचा है। कहा बहुत दूर से आया हूं बाबा, परमात्मा के दर्शन की इच्छा है। आप तो परमात्मा के बहुत नजदीक होते हो, आप तो रोज मुझसे मिलन होता है, मेरा भी मिलन करवा दीजिएगा। बाबा ने कहा थोड़ी देर बैठो आराम करो। पसीने से लथपथ था, हाफ पी रहा था। थोड़ी देर के बाद पसीना सूख गया। बाबा ने पूछा क्यों बेटा, परमात्मा के दर्शन हुए कि नहीं हुए? कहा नहीं। अरे वाह, वे आए और चले गए, तुम्हें दर्शन नहीं हुए? फिर मैंने तो नहीं देखे। कहा जब आया था तो पसीने से लथपथ था। एक पसीना सुखाने के लिए ऊपर एक पेड़ पर कोई पंखे लगे हुए हैं। अरे परमात्मा ही शीतल वायु के रूप में आया और आके तेरे पसीने को सुखा के चल गया। अब तुम्हें दिखाई नहीं देता या अनुभव नहीं होता तो वह तेरा दोष है, परमात्मा तो अपना काम करके चले गए। परमात्मा की कृपा के दर्शन तो संरक्षण नित्य होते रहते हैं। हाँ स्थूल दर्शन शरीर के दर्शन नहीं होते लेकिन परमात्मा अपनी कृपा के दर्शन देवियों दिन में अनेक बार करवाता रहता है और वह हर एक को करवाता है। उसकी कृपा के दर्शन करते हैं ऋषि का। आज सदक्षिण परमात्मा का प्यारा नाम राम स्वामी महाराज के